अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशिर खबर नाम हेत चुस साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जनूबी कशीर हंदिस सही मुत्रालस मंज आज तमि साथ फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमज यलि फोर्सेस अहलकारो तरफ इलाको गेर करनाओ वन चिवान जि फौज सीआरपीएफ तो एस ओ जी अहलकारो तरफ अकिस मुसद्दिक इतला मिलनस पेट रोज दौरान सही मुत्रालु गेर करना आमुत या दौरान इलाकस मंज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस अहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपुद। यदि गोलियन हुंद तबादुल आज सुबह अंद वो तत गोलियन हंदिस तबादुलस मंज जैश मोहम्मद तंजीम सत वस्त मुकामी मिलिटेंट फौत सपदमित फौत सपदमित मिलिटेंट हिंद शिनाख्त आकिब अहमद तो मोहम्मद मकबूल सिंद रंग कर आम जन पुलिस तरफ हथियार बरामद कर दाव कर आम। साउथ कश्मीर में पिछले आपको एक हफ्ते के लगभग तीन चार अच्छी कार्रवाइयाँ वहाँ पर जो हैं वो हुई हैं। कल का जो ऑपरेशन है जो सैमुत्राल में हुआ, इसमें जैश मोहम्मद के दो मिलिटेंट मारे गए हैं। ये ऑपरेशन पुलिस की एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे लॉन्च किया गया था, आर्मी और बाकी जो एसएफ के यूनिट सीआरपी वगैरह के साथ। और इसमें जो दोनों मिलिटेंट मारे गए हैं उसी इलाके के तराल के एरिया का एक रहने वाला है और दूसरा भी अवंतीपुरा डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला है, सिरजगीर का। इनमें से एक जो है वो लगभग एक साल से एक्टिव था और दूसरा कुछ महीने पहले एक्टिव हुआ था, और जो पुराने वाला है उसने नए वाले को मोटिवेट करके मिल्टेंसी ज्वाइन कर लेके तैयार किया था। और इत्तला के मुताबिक जो कार्रवाई हुई उसमें आज सुबह जो है दोनों आतंकी जो मारे गए हैं, दोनों की पहचान जो है वो एक मकबूल चौपान करके है और दूसरा आकिब रमजान वानी है, और ये दोनों जैश मोहम्मद के साथ काम कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिलिटेंट दो है मगर वेपन चार पकड़े गए हैं इनसे, दो AK-47 हैं और दो पिस्टल हैं, उसके अलावा काफ़ी तादाद में जो है अमनीशन भी पकड़ा गया है। मैं इसके साथ ये भी बता दूं कि साउथ कश्मीर में पिछले हफ्ते के दौरान पहले तो कुलगाम में जो इनकाउंटर हुआ 30 तारीख को, उसमें भी दो मिलिटेंट मारे गए थे, दोनों लोकल थे, दोनों जैश मोहम्मद के साथ काम करते थे और उसमें दो पिस्टल पकड़े गए थे। उसके अलावा जो कार आईडी जो तैयार करी थी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करने की, जिसकी साजिश थी, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल अभी नहीं देंगे क्योंकि तफ्तीश चल रही है। वो भी एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम की उसमें पुलवामा पुलिस ने एक खास इतला के ऊपर, और बहुत बड़ा नुकसान जो होने वाला था वो नुकसान बच गया। ये गाड़ी ईद के दिन से ही इस्तेमाल करने के लिए बार बार इसको आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे किया जा रहा था, और कुछ सही टारगेट सही जगह सही वक्त की तलाश थी, मगर उससे पहले ही पुलिस की इतला के मुताबिक ये गाड़ी पकड़ी गई। यपर पुलिस सरबरान वनमुत ये पाकिस्तान तरफ वादी मज मिलिटेंटन हथियार फराहम कर नार्को टेरिज्म गोड़ भरन की कोशिश कर, ताहम च पुलिस तरफ ये कोशिश नाकाम बनाने बापत संजीद कदम तुलना आम। इको टेररिज्म का जो नया सिलसिला चला है कि जहां वेपन स्मगल होके पाकिस्तान की तरफ से आते हैं उसके साथ नारकोटिक्स भी आनी शुरू हुई है, ऐसा ही एक मॉड्यूल गैंग एक पांच बंदों का जो है बडगाम पुलिस ने पकड़ा है, और उसमें पिस्टल भी पकड़ा गया, हीरोइन भी पकड़ी गई और ग्रेनेड भी उसमें पकड़े गए। इस तरह की कार्रवाई अब पाकिस्तान की तरफ से चल रही है कि साथ में नशे की तस्करी जिसको मार्केट में बेचा जाता है उससे पैसा जमा किया जाता है, OGWs को दिया जाता है, मिलिटेंट्स को दिया जाता है और साथ में वेपन भी भेजे जाते हैं। ऐसा ही एक बड़ा ऑपरेशन बारामूला पुलिस ने किया है जिसमें एक काफ़ी बड़ा मॉड्यूल जो OGWs का, वहाँ का जो लश्कर का कमांडर है सजाद हैदरी जो ब्राटकलां का रहने वाला सोपुर का, उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, बहुत सीरियसली इन्वॉल्व थे। नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ग्रेनेड फेंकने में, एक जगह से दूसरी जगह असला और मुनीशन पहुँचाने में और बाकी टेररिस्ट कार्रवाइयां करने में, तो वो भी एक कार्रवाई वहां पर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये लॉकडाउन में तवसी कर 8 जून तक बंदिश तो पाबंदी आयद कर फैसला कर आमुत तत जनूबी हंद जिले कुलगोम अनंत नाग शुपियां पुलवोम तो वस्ती हंद जिले श्रीनगर गांधरबल तो बडगाम सान शुमाली हंदिस बंडपुर वर्मुल तो कपवरस मं इंतजामिया तरफ आयद कर आमच बंदिशन तो पाबंदियन हूँ असर वुन आमुत ये दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ी हूँ यूल गुन तुतर वुन आव, ताहम च आज वादी हंदन मुख्तलिफ इलाकन मं लूकन हूँ फेरन थोरन तो
निजी गाड़ी हूं यून ग रात के मुकाबले ज्याद व आमुत यल मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आई जम्मू कशीर मज बंदिशन मज नरमी दिन यन जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर कर यपर्ची जम्मू कशीर मज कोरोना वायरस कहर जारी तो आज से वादी मज मजीद आठ केस ब्रोह कुन आमुत यल आज वादी मज मजीद दोन नफर हूं मौत सपुद तो इतप कोरोना वायरस सत मरण वाले हूं तदाद अकतरह तम वोतम उम्मीद थी कि हमने डीसी साहब के साथ भी मीटिंग की थी कि उम्मीद थी कि शायद लॉकडाउन 5 जून से हमको राहत मिलेगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम कश्मीरी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हम पिछले 10 महीने से बेकार पड़े हैं, दुकानें बंद पड़े हैं, ट्रांसपोर्टर बेकार है, दुकानदार बेचारे बैंक के कर्जों तले दब गए हैं, बैंक लोन से फंसा है, और हमें उन पूरी उम्मीद थी कि शायद हमको राहत दी जाएगी। लेकिन अगर हम मुकाबला करेंगे अपनी रियासत का कि दूसरे रियासतों के साथ, वहाँ भी यही कोरोना है, वहाँ भी यही बीमारी है, लेकिन वहाँ कारोबार में छूट दी गई है, हर एक चीज़ में छूट दी गई, मुकम्मल तौर बैठेंगे दुकानदार, बैठेंगे ट्रांसपोर्टरों को मिलना चाहेगा, ये बैंक लोन है ये माफ़ होना चाहिए, तमाम को मुकम्मल मुकम्मल मतलब भरपूर मुआवजा दें। हम लॉकडाउन में भरपूर रहेंगे, गवर्नमेंट कहेंगे 2 महीने हम 4 महीने रहेंगे, लेकिन हमको जो प्राइम मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया था उसमें से हमको मुआवजा मिले, हमको भरपूर इमदाद दी जाए, हम 2 महीने क्या 4 महीने लॉकडाउन में रहेंगे, जब पैसा जेब में होगा तब आयाल खाएगा कुछ। श्रीनगर किस पारिमपुर बस स्टैंड सबस्त ट्रांसपोर्टरों तरफ वन आमुत यदवे वादी हंद नाम सालात तो मौजूद सूरत हाल ट्रांसपोर्टर मुश्किल मज आई तो यह मामले कई आई फिर इंतजामी नोटिस मज तव ताहम चुन ट्रांसपोर्टर हिंद मुश्किल दूर करने बापत कह कदम तुलना आमुत ट्रांसपोर्टरों तरफ मांग कर आमुत अत मामल कुन गए जोन दिन युन जन तिम मजीद मुश्किल वतरन पे जो मसाइले ट्रांसपोर्टर के अनलॉक का फर्स्ट सेशन शुरू हो गया, मगर बदकस्मती से ट्रांसपोर्टरों की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हम बहुत टाइम से बैठे हैं, 5 अगस्त से में भी बैठे थे, उसके बाद जो ये कोविड-19 जो शुरू हो गया तब से हम बैठे हैं। हमारी गाड़ियों का बहुत खर्चा थे, खड़ी गाड़ियों का हमें खर्चा भरना पड़ता है, इंश्योरेंस भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, टोकन भरना पड़ता है, और ये ड्राइवर कंडक्टर साहिबान है, हमारे एम्प्लॉयज़ है, मिनी बस बसेस ऑटो जो भी इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है सब परेशानी हाल है, मगर गवर्नमेंट कोई हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते है। हम डीसी साहब के पास भी गए, कुछ भी नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर सिंह बशीर अहमद खान आज अनंत नाग दौरे कोरमुत या दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान अफसर हिज मीटिंग सांस करना आमुत या दौरान बशीर अहमद खान मौजूद सूरत हाल हवाल जान फराहम करना आई यल जन बशीर अहमद खान अफसर हिदायत दि लूकन हिज हिफाजत यकीनी बनाने बापत गसन संजीद कदम तुलने यन जन आम लूकन मुश्किल वतरन पे यपर जिले तरकियाती कमिश्नर अनंत नागन मीटिंग पत जरा इबलाग सत कर वोनमुत जिले इंतजामिया मुतर कर आमुत जन आम लूकन हिज हिफाजत यकीनी बनाने यी ऑलमेट एडवाइजर साहब आए थे यहाँ पर, दो चीज़ें उन्होंने रिव्यू की, एक तो कोविड के रिलेटेड से प्लस दी स्टेटस ऑफ हमारा रीच कैसे हमारे लोगों तक खसूस रेड जोन्स में, और तीसरा जो था कि यात्रा के स्टार्ट से हम लोग कैसे हैं। तो कोविड के लिहाज से जो हमने स्टेप्स लिए थे उनका जो रिजल्ट ऑन ग्राउंड है, खसूसन जो पहले प्रेग्नेंट लेडीज़ का इशू आता था कि हम लोग इसमें कामयाब हुए, मेरी मेडिकल टीम जो पूरा स्ट्रक्चर है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का वो एक्टिवेटेड है और किसी भी इवेंचुअलिटी और किसी भी इमरजेंसी के लिए वो रेडी है। और मैं ये बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि जो भी कोई इशू आता है हमारे हेल्पलाइन से हमारे कंट्रोल रूम से उनकी नोटिस में लाए 24/7, व्हेन वी से 24/7 इट मींस 24/7 हम आपकी डिलीवरी के लिए, आपकी मदद के लिए और आपके जो कन्वीनियंस के लिए यहाँ रेडी है और तैयार है। जेडीयू के रियासती सदर जी एम शाहीन चु मरकजी सरकार मांग कर मौजूद सूरत हाल दौरान गज जम्मू कशीर बापत खसूसी पैकेज ऐलान करने युन जन जम्मू कशीर हंदन लूकन राहत वाते तक जम्मू कश्मीर का सवाल है। अगर अल्टीमेटली हम देखें
जो भी ऑर्डर सेंटर से होते हैं वो पूरे हिंदुस्तान के लिए 370 भी टूटा, क्यों यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें अपनाई जा रही है। लॉकडाउन को देखें, हम पूरे देश में जो है रेड जोन्स में जो है बार्बर की दुकानें जो बाकी दुकानें खुली हुई है, लेकिन पर्टिकुलरली जो आपका जम्मू कश्मीर है इसमें बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। जबकि पूरे देश में जो हम बताए जब लॉकडाउन हुआ तब डिफरेंट काइंड के पैकेज दिए गए, डिफरेंट काइंड के जो है आपका बैंक्स की तरफ से बड़ा ये फैसिलिटेट किया गया कि आपका ईएमई नहीं दिया लिया जाएगा, बाकी सब फैसिलिटी। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को के मुद्दे को लेकर क्यों साइलेंट है, जबकि हमारे यहाँ लॉकडाउन का अगर देखिए तो पिछले 5 अगस्त से अगर हम देख लें तो ऑलमोस्ट जो है आपके 10 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों गलत पॉलिसियां जम्मू कश्मीर को लेकर है? क्या यहां पर अलग कोई सरकार चला रहे हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी का इतना जोर जातियां है कि जो भी एमएचए की तरफ से जो ऑर्डर्स आते हैं कि वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मामले बन रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए। जम शोपकिस उधमपुर जिलस मज ये लूकन हिंदिस फेरनस थोरनस अलाव गाड़ियन हुंद युन गसन वुछन आव तत चु मुकामी तजरो तरफ इंतजामियात मांग करना आमुत जे जिलस कुन गस खास जोन दिन युन युत जन लूकन हुंद कामकार बहाल सपदनस अलाव हिफाजत ते यकीनी बनावनी। कल से अनलॉक का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, ये अभी देखा जाए तो हमारे देश से या पूरे वर्ल्ड से कोरोना का खतरा टला नहीं है, ये गवर्नमेंट का फैसला है। जैसे कि अब दिन ब दिन छूट दी जा रही है, इससे यहाँ कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि जैसे कि हमारा देश बचा हुआ है, ऐसा ना हो कि एक ऐसे चक्कर में पड़ जाए कि हमारे देश में भी बार बार के देशों जैसा हाल हो जाए। देखिए गवर्नमेंट जो फैसले लेगी, लेकिन हम डीसी साहब से यही निवेदन करते हैं कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को देखकर ऐसे प्रकाशन लें कि हमारा जो शहर है वो बचा रहे। जैसे कि पहले डीसी साहब के आर्डर से हमारे शहर में काफ़ी फ़र्क रहा, उसी तरह का आर्डर दें ताकि हमारे शहर में कुछ ना कुछ बच सके, नहीं तो ये दिन ब दिन केस बढ़ते जाएंगे और खतरा बढ़ता जाएगा। PDP लीडर मोहम्मद यासीन भटन चु हुकूमत अपील कर्मच PDP सदर महबूबा मुफ्ती तो दोयम सियासी लीडर गसन रिहा करने इन युत जन जम्मू कशीर मन सियासी बेचैनी दूर करने इन। जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा 5 अगस्त से बाकायदे तौर पर PSA के तहत बंद है, और जो हमारे पार्टी के दीगर लीडर वो भी कोई PSA के तहत बंद है, कोई नज़रअंदाज बंद है, और दीगर पार्टियों के लीडर भी बंद हैं, जिसमें सजादगिनी लोन साहब बंद है, शाह फैसल साहब बंद है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ लीडर बंद है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि PDP ने ऐसा कौन गुनाह किया है कि 5 अगस्त से लगातार हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा अलॉन्ग विद बाकी लीडर्स PSA के तहत बंद है, ये नाइंसाफी है, ये सरासर जमहूरियत का कत्लेआम। हम चाहते हैं जितने भी हमारे पार्टी के लीडर अलॉन्ग विद हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा उनकी रिहाई, और जो हमारे जम्मू कश्मीर के जेलों में बच्चे बुजुर्ग बंद हैं उनको भी जल्द अज जल्द रिहा करना चाहिए। शुमाली कशीर हिंदिस टंगमर्ग इलाकस मज ये कैया कोरोना केस आज तम ब्रो कुन आई तत महकम सेहत तरफ अम हवाल संजीद कदम तुलना आम यप महकम तरफ कुंजर टंगमर्ग मज लूकन हिंद टेस्ट हन आम जन अत मौकस पे महकम को जिम्मेदारों तरफ वन आव लूकन हिंद हिफाजत यकीनी बनाने बापत कदम तुलना आम युत जन लूकन मज पद सपुदमुत तशवीश दूर करने ये। नॉर्थ कश्मीर में पहली बार आई सपोज कि ऐसा मोबाइल कियोस्क बना है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वर्दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला, कि जिसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हैं फॉर द टेक्निकल स्टाफ एज वेल एज द पेशेंट्स वी आर टेकिंग द सैंपल्स। अब हमारे मोहतरम DC साहब की डायरेक्शंस पे हम लोगों ने एक मोबाइल कियोस्क बनाया। इस कियोस्क का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये होता है कि इसमें पेशेंट और
जो हमारा तिब्बी अमला होता है, जो ये स्वाब लेता है, जो ये सैंपल लेता है, उन दोनों के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस होती हैं। तो अब हम हर किसी रेड जोन में या जहाँ पे भी हमें कोई वल्नरेबल ग्रुप लगता है, जहाँ पे भी हमें कोई क्लस्टर लगता है या जहाँ पे भी हमें कोई रैंडम सैंपलिंग की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे ये मोबाइल कियोस्क लेके अपनी टीम लेके मैं जाऊँगा वहाँ पे, और हम वहीं पे लोगों की आसाइश के हिसाब से हम उनके स्वैब लेंगे। जी सर, लोगों के लिए यही मैसेज है कि वो ताउन करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी उनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, और तिब्बी अमले के साथ, क्योंकि ये कोरोना के साथ हम लोगों को अब जीना सीखना है। कें दो ब्रोह ये समाजी तो सियासी कारकुन जनक सिंह सोडी सूद इंतकाल सपूद तत सिख फिरक सबस्त लूको तरफ तिमन खराज पेश करान वन आमुत जनक सिंह सोडी उस अख रहमदिल तो इंसान परस्त शख्स। पूरी सिख कम्युनिटी के लिए इस वक्त बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और खाली सिख कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमनिटी के लिए उनका बहुत बड़ा लॉस है। ये जो उनकी कमी है, ये मुश्किल है हम पूरी कर सकें, लेकिन इस चीज़ को हमने बर्दाश्त करना है। हम उनके पूरे परिवार के साथ बिल्कुल इस दुख में बराबर के शरीक हैं, और ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं, ऊपर वाला इनको अपने कदमों में जन्नत बख्शे, और पीछे रही जो कम्युनिटी है, परिवार है, उसको इस सदमे का जो है ये बर्दाश्त करने की हिम्मत और बल बख्शे। सरदार जनक सिंह सोढ़ी ये खाली कम्युनिटी के लिए लीडर नहीं थे, ये एक इंसानियत के नाते हर एक कम्युनिटी के, चाहे इधर हिंदू मुस्लिम सिख जो भी था, उनके साथ हमेशा आगे आगे रहते थे। इनकी योगदान जो है इन हालातों में बिल्कुल हमेशा आगे के आगे रहकर इन्होंने वो निभाई जिम्मा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये हाल ही मुख्तलिफ महकमन मज क्लास फोर तो असामिन बापत भर्ती अमल शुरू करनुक ऐलान करना आव। तच आज श्रीनगर मज तलब इलमो तरफ वन आमुत यदवे तिज डिग्री मुकम्मल सपदन वाजिन तो मौजूद सूरत हाल किन अत मेर लोग, ताहम पजे इंतजामियास इमन तलब इलमन हवाल खसूसी रियायत दिन ऐलान करन युत जन तम इमन असामिन बापत फार्म दाखिल करित हकन। स्पोक्स पर्सन स्टूडेंट बॉडी समर ग्रेजुएट्स 2020 की हैसियत से अथॉरिटीज़ तक ये बात पूछना चाहता हूँ कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमारी ग्रेजुएशन 15-20 मई तक ख़त्म हुई होती, हमारे रिजल्ट्स आए होते, बट ड्यू टू दिस पैंडमिक वो नहीं हो पाया, वो पोस्टपोन हो गए हमारे एग्ज़ाम्स। अब हमारे जो अप्रेंशन हैं और जो अब हमारे कंसर्न्स है रिगार्डिंग रिसेंटली नोटिफाइड जॉब्स बाई JK बैंक फॉर द पोस्ट्स ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड बैंकिंग एसोसिएट एंड ऑल्सो रिगार्डिंग अपकमिंग पोस्ट्स ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट। अब हमारी डिमांड है देर शुड बी एनी प्रोविजन फॉर अस एज वेल, वी शुड बी मेड एलिजिबल फॉर ऑल दीज टाइप्स ऑफ पोस्ट। शुमाली हिंदिस टंगमर्ग इलाक मत महकमे बिजली तरफ ट्रांसफार्मर शहर पर बापत वर्कशॉप कायम कर आमुत, ताहम छ हाजत बशरी बापत बैतुल खला तमीर अति कर आम यमकिन वर्कशॉपस मम कर वाले मुलाजमन मुश्किल वतरन पे मुलाजमो तरफ मांग कर आमुत वर्कशॉपस कुन गए जोन दिन युन युत जन मुलाजमन बुथ वाल मुश्किल दूर कर। हम पहले आपके बहुत शुक्रगुजार हैं गुलिस्तान न्यूज़ के, आज तक यहाँ कोई नहीं आया, हम पहले आपका शुक्रगुजार है। हमारी डिमांड है यहाँ पे जो बाथरूम की है, यहाँ प्रॉब्लम है बाथरूम की। 2011 से वर्कशॉप चालू हुआ है यहाँ पे, तब से यहाँ बाथरूम की फैसिलिटी नहीं हुई है आज तक। हमने बहुत बार कहा है अफसरों से मगर कोई गौर नहीं कर रहा है। और हमारी दूसरी प्रॉब्लम है तनख्वाह की, वो हमको 1500-1700 मिलते हैं, आजकल क्या आता है 1500-1700। पहले स्टेशन में जाते थे तो आज जब से लॉकडाउन हुआ स्टेशन वाले अब उन्होंने ताला बंद करके रखा है, अब अंदर नहीं आने देते, ये मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे। हम सारे इधर दाएं बाएं कहीं भी जाते थे, अब अंदर कोई नहीं आने नहीं देता है। हमारी गुजारिश यही है हमारा मसला हल हो जाए। मैं यहाँ आया 30 दिसंबर 2017 को, मैंने उसी महीने में लिख कर दिया है रिटर्न अपने अफसरों को कि हमें यहाँ बाथरूम होना चाहिए और कुर्सियाँ दो होनी चाहिए।
तब से आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन का वो बेक्ट विलेज का सिस्टम हुआ, वो यहाँ आई, वो टीम आई यहाँ, उनको भी हमने लिख कर दे दिया है, उन्होंने भी लिखा है, लेकिन बात उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। सिर्फ हम उसी टैंकी में पानी डालते हैं, पाइप लगा कर उसमें हवा थोड़ा धोते हैं, प्रॉब्लम है, इधर उधर जाते हैं। तो वादी में यदि माश सनस सैया लूक वबस्त कैया लूकन अन चोर जेन मौक फराहम सपदान तत जनूबी कशीर हिंदिस गाबरपुर पुलवामिस सत वबस्त कैंसो नौजवानों तरफ वन आमुत जदवे तम पत्मो कैया वर्यो पे अत कारोबार सबस्त आन चोर जेनान ताहम रस दौरान जती रसाकशी किन सठा नुकसान वातन आमुत मुतासर नौजवानों तरफ इंतजामिया मांग कर आमुत जत मामलस कुन गोन दिन युन जन तम इमदाद फराहम कर। जुनैद अहमद भट्ट है, मैं गाबरपुरा पुलवामा का रहने वाला हूं। मैं ये काम पिछले 8 सालों से कर रहा हूं, जो कि यहां पे बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम खुद अपना बिज़नेस बनाएंगे। सो अब हमने पिछले 8 सालों से ये बिज़नेस बनाया था, अब जब हमने खड़ा किया तो अब जब हमारी उम्मीद बढ़ गई थी इस बिज़नेस पर, तो किसी ने आकर हमारी उम्मीद पर पानी फेर लिया। अब हमने ये 20 दिन पहले रोहमू पुलवामा में डाला था फार्म अपना शहद के लिए। सो हमने हम यहाँ आए, हमने 3 दिन पहले शहद निकाला, अब हम यहाँ उठाने वाले थे, यहाँ से घर ले जाने वाले थे फार्म, तो यहाँ हमने आए यहाँ हमने देखा यहाँ पे सारा डैमेजड है, तो हमने फिर जब इस पर ध्यान दिया तो इसमें जहर डाला गया है। सो हमारी डीसी साहब से ही अपील है, खास करके हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है डीसी पुलवामा, उस डीसी साहब से अपील है कि वो यहाँ आए, यहाँ पे नज़र डाले, वो खुद देखे कितना नुकसान है, कम से कम 10-15 लाख का नुकसान है। सो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी तरफ भी तवज्जो दी जाए, ताकि हम भी इस तूफान से बच सकें। अस गई 8-10 दह ये फार्मस, पता है कह यव कोड़ माश जो त्रे दह गई माश कड़मस, पता है कह खत रात पर् डे आ शाम पे तो ये बोन वसान वडर मज रात खत बीज सुबह योर तो ये जहर दुत माश गिनान अंदर कह बीज कह हत मे जोर पर्सेंट बचेमत जोर पर्सेंट नबर नारा तमें लड़ फिर फिर पे यूस आज उस उम्मीद फार्म बनो। तो नाजरीन अत सत वोशर खबरनामान दीव इजाजत खुदा सवाल।